नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुनिया अजब गजब तरह की चीजों से भरी पड़ी है। हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया अजीब चीजों से घेरी हुई है जिसके बारे में हमको भी नहीं पता होता है। आपने अभी तक पक्षियों या जानवरों को अंडे देते हुए या देखा या सुना होगा, मगर क्या आपने कभी सुना होगा या कभी सपने में भी ऐसा सोचा होगा कि कोई पहाड़ की चट्टान भी अंडे दे सकती है? तो आपको बता दें, चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपनी अद्भुत चीज़ों के लिए दुनिया में पहचान रखता है। यहाँ हर गली में कुछ न कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हर एक देश में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी देश में मेल नहीं खाती। ऐसे ही चीन से एक अजीब चीज़ के बारे में पता चला जो आपको हैरान करने के लिए बहुत काफी है। चीन के दक्षिण पश्चिम के गिझाऊ प्रांत में स्थित है। इस चट्टान की ऊंचाई करीब 20 मीटर और लंबाई 6 मीटर है। इस चट्टान को चीन में चंदनिया के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान का रंग काला है और ये हर 30 साल में अंडे के आकार के पत्थर गिराती है। बता दे, अपनी इस बात को लेकर ये देश आज पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये चिकने अंडे पहले तो एक कवच में होते हैं और चट्टान इनको सहती है, लेकिन कुछ दिन बाद ये अंडे सतह पर गिर जाते हैं। इस चट्टान ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग हिला कर रख दिया है। इस चट्टान का नाम चंदनिया, हिंदी में इसका मतलब है अंडा देने वाला पत्थर। इन पत्थरों से निकले अंडों को स्थानीय लोग खुशी का प्रतीक मानते हैं। ये अंडे जब जमीन पर गिरते हैं तो गाँव वाले इन्हें अपने घर ले जाते हैं। ये एक काली और ठंडी चट्टान है जो कई क्षेत्रों में आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन इसके अंडे देने की खबर आज समस्त विश्व में एक चर्चा का केंद्र बनी है। साथ ही इन चट्टानों का बदलता रूप वैज्ञानिक को भी परेशान कर रखा है। भूवैज्ञानिकों की माने तो ये चट्टान 500 मिलियन साल पहले की है। इस चट्टान को वैज्ञानिक ने कैब्रियन समय का माना है। इन पत्थरों में गंडा पहाड़ के खास हिस्से से बनी थी। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम और पर्यावरण में समय समय पर बदलाव होने के कारण इन चट्टानों को भी कभी उच्च तापमान तो कभी बेहद ठंडा मौसम झेलना पड़ता है, जिस कारण इनकी संरचना और तत्वों में बदलाव को देखा जा सकता है। यही वजह है कि इन पत्थर कई तरह की आकृति उभर आती है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस चट्टान पर ये एकदम अंडाकार और चिकनी आकृतियाँ कैसे बनती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।